हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते आप दोस्तों। मैं हूँ आपका दोस्त गुरजीत सिंह और आप देख रहे हो अपना प्यारा चैनल मिस्टर सिंह ब्लॉग। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी और ट्रांसपोर्ट कंपनी में हम अगर ड्राइवर में आ रहे हैं तो किस कंपनी में आए, किस कंपनी का वीजे में आए, और अगर हमको आगे कैनेडा के लिए अप्लाई करना है या फिर हमको अच्छी इनकम किस कंपनी में आके मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसके ऊपर है, आओ शुरू करते हैं वीडियो। गाइज, अभी क्या हो रहा है कि इंडिया से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम की तलाश में ड्राइवर के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। खासकर मैं हैवी ड्राइवर की बात करूँगा क्योंकि मैं भी एक हैवी ड्राइवर हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ। तो आज मैं आपसे सारी बातों के ऊपर बातचीत करूँगा जिससे आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो सब सॉल्व हो जाएँ। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार अपने और दोस्तों से भी शेयर करें जिससे सबका फ़ायदा हो सके। दोस्तों, जब भी हम किसी एजेंट के पास जाते हैं तो एजेंट हमको बोलता है इस कंपनी का वीजा आया है, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता है। जब भी आप किसी एजेंट के पास जाते हो या कुछ भी, आपको व्हाट्सएप पे वो स्नैप भेजता है, ऐड भेजता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको नेट पे चेक करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो कंपनी बहुत बड़ा ग्रुप निकलती है, या कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी निकलती है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी निकलती है, या कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब हमको किस कंपनी में आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। दोस्तों, पहले अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें, कंस्ट्रक्शन कंपनी वो होती है, जैसे इसके नाम से ही पता है कि ये बिल्डिंग बनाना, सड़कें बनाना, जितना भी ये काम होता है ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। तो इसमें सबसे पहले जो वैकेंसी आती है वो रेडीमिक्स कंक्रीट, आपने देखा होगा जो इस तरफ आप देख रहे हो, इसको रेडी मिक्सचर बोलते हैं, इसको यहाँ पे चलाया जाता है। तो अभी पीछे जद्दा की बहुत सारी कंपनी की वैकेंसी आई थी, जैसे अल अरेबिया रेडी मिक्स की आई थी या सऊदी रेडी मिक्स की आई थी, जो कि जद्दा में ठीक ठाक कंपनियाँ हैं। मुझे 4 साल हो गए हैं जद्दा में, मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन पिछले 4-5 महीने में मैं इन कंपनियों की जो गाड़ी है रेडी मिक्स गाड़ी बहुत ज़्यादा आते जाते देख रहा हूँ। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी सैलरी होती है प्लस ओवर टाइम होता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज़्यादातर जेसीबी ऑपरेटर, बॉबकैट ऑपरेटर या इस तरीके से ऑपरेटर की, जेसीबी ऑपरेटर इस तरीके के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में अधिकतर आपको ओवर टाइम ही मिलेगा, आपको ट्रिप बहुत ही कम कंपनियों में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो रेडी मिक्स होता है उसमें क्या होता है कि आपने अपने प्लांट में जाना है, उधर से आपने सीमेंट, उसमें जो भी मसाला बनता है वो लोड करना है, और उसको आपने 20 मिनट का सफ़र, आधे घंटे का सफ़र, एक घंटे का सफ़र, उसको धीरे धीरे आपने साइड पे लेके जाना है। अब साइड पे हो सकता है एक बार में ही आप पूरा खाली करते तो दोबारा ट्रिप के लिए आ जाएं। कई बार ऐसा होता है कि 3-4 घंटे भी लग जाते हैं उसको खाली करते, कहीं पर छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा माल चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से उसमें ओवर टाइम होता है, आपकी 8 या 10 घंटे की ड्यूटी होगी प्लस आपका ओवर टाइम होगा। ठीक है, तेल वेल सब कंपनी का होगा, लेकिन कई जगह ऐसा भी है कि आपको ट्रिप भी दिया जाता है। वो इस तरीके से लालच दिया जाता है ड्राइवर को कि ड्राइवर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप लगाए, अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि ओवर टाइम में क्या है कि आदमी फिर मस्ती से 8-10 घंटे काम करेगा और ओवर टाइम में भी मस्ती से, क्योंकि उसको घंटे के हिसाब से पैसा मिल रहा है। अब वो ट्रिप इसलिए रख देते हैं 5 रुपये या 10 रुपये ट्रिप, या कहीं दूर है तो 15 रुपये ट्रिप भी रख देते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है इस तरीके से इनकम होती है। ठीक है, उसके अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनी में जैसे कोई ट्रक वगैरह होता है, ट्रेलर बहुत कम होते हैं, वो सिर्फ होते हैं बॉबकैट या जेसीपी को लादा और एक साइड से दूसरी साइड पे छोड़ दिया, उसमें या तो ओवरटाइम होगा या अगर ट्रिप भी होगा तो वो बहुत कम ट्रिप लगते हैं, क्योंकि डेली डेली तो साइड चेंज नहीं होगी। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कंपनी में थोड़ा यही काम होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो कभी सीमेंट वाली गाड़ी आएगी, कभी सरिये वाली गाड़ी आएगी, हो सकता है कि उनका ट्रिप सिस्टम हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दूसरी, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी क्या होती है, इनमें क्या होता है कि इनके वेयर हाउसेज होते हैं, इनके पास छोटी डायना भी होती है और ट्रेलर भी होते हैं। अधिकतर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में क्या होता है कि लोग आते हैं ट्रेलर की ट्राई देके, लेकिन पता लगता है कि यहाँ आके उनको डायना चलानी पड़ रही है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ। उसमें ड्राइवर का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ
कि मान लीजिए कस्टमर की कोई डिमांड है, तो वेयरहाउस से माल उठाया, कस्टमर तक पहुंचा दिया, चाहे वो माल कुछ भी है, चाहे छोटे छोटे कार्टून है, चाहे बड़े बड़े कार्टून है, ठीक है, ये काम होता है। अब अधिकतर लोकल एरिया में डायना से ही काम होता है, क्योंकि डायना की नो एंट्री नहीं होती है। लेकिन एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस जाना या बहुत ज़्यादा दूर जाना, उसमें ट्रेलर का काम होता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ इधर जो काम करती है, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, जैसे बहुत सारी कंपनी हो गई, जैसे वारिद हो गई है, अल्फुजान हो गई है, उनकी डायना भी चलती है और ट्रेलर भी चलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में अगर आप कभी आए तो ये कंफर्म करके आए, अगर आप भले ही वहाँ पे ट्रेलर की ट्राई देके आए, लेकिन आपको यहाँ के डायना भी चलानी पड़ सकती है। हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी की। दोस्तों ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्या होता है कि अधिकतर 99% ट्रिप सिस्टम होता है, ओवर टाइम का कोई चक्कर ही नहीं होता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपकी 1200 सैलरी लगी प्लस ट्रिप, आप इधर आते हो, आपको गाड़ी मिल गई, लाइसेंस बन गया, सब कुछ बन गया, आपकी 1200 सैलरी है, आपको घंटे से मतलब नहीं है, आपको दिन में 2 ट्रिप मिले 3 ट्रिप मिले उसका पैसा अलग से मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। यानी अगर 50 रुपये का एक ट्रिप है, आपने दिन में 2 ट्रिप लगाए, 100 रुपये तो वो बन गए प्लस आपकी सैलरी जो है वो अलग से है। ट्रिप सिस्टम में ये फायदा होता है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, अब ये मैं दोबारा से आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हैं मेरे पास, पिछले दिनों फोन आया कि सर मैं ट्रेलर की ट्राई देके आया था, मैं इधर आके डायना चलाने के लिए बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ, कोई कफिल के पास चला गया। मैं हर एक उसमें बोलता हूँ वीडियो में कि भाई हाथ जोड़ के विनती है, कफिल के पीछे पे ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कफिल खराब है, अगर कफिल अच्छा है तो कंपनी भी फेल है उसके आगे। अभी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कफिल के पास आए हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसमें 50-50 चांस होता है, आपका लक है। अगर आपका कफिल अच्छा निकल गया तो मियाँ मियाँ, अगर अच्छा नहीं निकला तो आपको पछताना पड़ेगा, सेवा ही करनी पड़ेगी। तो मैं यही कोशिश करता हूँ सबको बोलने की, भाई कंपनी के बीजे पे आओ, इतनी सारी कंपनियों की वैकेंसी आती है हर दिन नहीं। ये नहीं है कि एजेंट ने जिस कंपनी के बारे में बताया तो आपने उसी में ही आना है। चलो छोड़ते हैं इस पॉइंट को, हम अपने पॉइंट पे आते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में। अब देखो मेरी सैलरी जब मैं आया था, मेरी 1200 सैलरी थी, 1200 को अगर हम 2 से गुना करें 24,000, यानी 22,000-23,000 रुपये बनते हैं। अब मान लो महीने में 1200 रुपये मेरी सैलरी है, मैं एक दिन में 1 50 रुपये का ट्रिप लगाता हूँ, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं जिसमें 4 दिन की छुट्टी है, 26 दिन मैंने काम किया, तो 1300 रियाल मेरे ये अलग से बन गए, 1200 प्लस 1300 और ये मेरे 2500 रुपये बन गए। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ट्रिप में आदमी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, ये मेरा ओपिनियन है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में आ रहे हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी में आ रहे हो या ट्रांसपोर्ट कंपनी, आपके पास ऑप्शन है तो आप पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी में आए, क्योंकि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा काम ट्रांसपोर्ट कंपनी का है। अब कई बार क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में मान लीजिए काम नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, कई बार क्योंकि बिजनेस है, फ्लक्चुएशन करता है, अब काम नहीं है तो कई बार क्या होता है, 2-2, 3-3 महीने सैलरी रुक जाती है, कंपनी भी तभी देगी ना, कंपनी के पास कहीं से प्रॉफिट आएगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम ऐसा है कि आपको क्या बताऊं, ये रेगुलर चलता रहता है। सऊदी अरब में जितना ट्रांसपोर्ट का काम है उस हिसाब से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनी आने में ही फायदा है। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जितने भी मेरे भाई लोग हैं, वो एजेंट आपको जो भी कंपनी बता रहे हैं उसको आप पहले कैटेगराइज करें, उसकी कैटेगरी बनाएं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में भी अगर आप ट्रेलर चलाते हो उसमें भी ट्रिप सिस्टम होता है, उसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। गाइस गाड़ी के अंदर अंधेरा हो चुका था तो इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ, और अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कनाडा आना है तो आप उसी कंपनी में जिसमें आपको ट्रेलर चलाने को मिले, क्योंकि कनाडा के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो लॉन्ग हॉल ड्राइवर के लिए आप ट्राई करोगे और उसके लिए ट्रेलर ड्राइवर ही आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी में आए, और कंस्ट्रक्शन कंपनी या कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी सेम है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ज़्यादा पैसा कमाया जाता है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में कमाया जाता है। और अगर आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में आओगे और कल को कनाडा के लिए भी अप्लाई करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में ही नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं बिल्कुल उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है या सऊदी अरब के बारे में जानकारी चाहिए या आप जिस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें,
हमसे जितनी हेल्प होगी हम आपकी इस टेलीग्राम ग्रुप में हेल्प कर पाएंगे, और जितने भी सऊदी में रहने वाले लोग हैं या सऊदी अरब से बाहर किसी भी देश में रहने वाले लोग हैं वो भी इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि हम नए लोगों की मदद कर पाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को कुछ नई जानकारी देने में मैं कामयाब रहा हूँगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि थोड़ी सी जागरूकता हम सब में आए। और अभी रात हो गई है, रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ काम करने के बाद, तो दोस्तों मेहनत बहुत लगती है, लाइक भी कर दिया करो क्योंकि वीडियो पे व्यू तो आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आते। तो दोस्तों लाइक करने से क्या होता है कि मेरा हौसला बढ़ जाता है। और दोस्तों बहुत जल्दी मैं इंडिया आ रहा हूँ, आप कमेंट में मेरे को अपनी जगह का नाम लिख के भेजें, मैं हर एक जगह आने की कोशिश करूंगा। और मैं पहले ही अपने कम्युनिटी टैब में बता दूंगा कि इतनी तारीख को मैं यहाँ पर इस जगह पर मिलूंगा, तो अगर कोई व्यक्ति मिलना चाहता है अपने भाई से तो वहाँ पर आ सकता है और मुझे कमेंट में अपना फ़ोन नंबर और अपनी जगह का नाम जरूर भेजें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं हूँ आपका दोस्त गुरजीत सिंह, मिलते हैं अगली गजब वीडियो के साथ। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब।